सर एक छोटी सी सवाल है, जी जी सर हेल्थ को लेकर हम बात करना चाहेंगे। जी तो एक एक्टर सर जिनको अपने हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी जैसे कि उनकी स्किन का हेल्थ, उनके हेयर स्टाइल, उनके फेस, मतलब हर चीज देखा जाता है, बहुत मायने रखता है। जी 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 सर, ये चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आप क्या-क्या चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉलो रखते हैं? मुझे लगता है कि देखो, आप सबसे पहले तो स्लीप साइकिल आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप टाइम से सो जाएं और टाइम से उठ जाएं तो सबसे सारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और इट्स द न्यूट्रिशन दैट यू टेकिंग, अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 बार अगर एक्सरसाइज कर लें तो आपका जो बॉडी माइंड और फिजिकलिटी जो है सब बैलेंस हो जाती है। सो आई थिंक इफ़ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सर देखा जाता है आप दिल्ली से हैं, जी जी और वहाँ पे माहौल भी काफ़ी अच्छा, मतलब गर्मा रहता है लेकिन पॉल्यूशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जी 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 तो उसके अकॉर्डिंग सर आप अपने आप को कितना मेंटेन रखते हैं सर? अब तो मैं काफ़ी वक्त से मैं बॉम्बे में हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में क्या हो रहा है ऑनेस्टली, लेकिन बॉम्बे में भी पोल्यूशन मेरे को लगता है उतना ही है। लेकिन आप आई थिंक यूज टू हो जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप जितना अपने आप को प्रिवेंट कर सके उतना प्रिवेंट करते हैं और इम्यूनिटी को जो है अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यू नो, विद योर राइट डाइट एंड राइट एक्सरसाइज एंड राइट न्यूट्रिएंट ऑन टाइम। सर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का आपका क्या डाइट होता है सर? सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं लेमन वाटर पीता हूँ और उसके बाद आई हैव माई सोक्ड ओट्स विद सम एग्स, और उसके बाद लंच होता है तो यू नो आई हैव माई किनवा एंड वेजिटेबल्स विद सम प्रोटीन, इट कुड बी अ फिश और अ चिकन, और उसके बाद आई वुड हैव सम ग्रीक योगर्ट एंड देन अनदर डिनर विद सम किनवा एंड फिश एंड आई थिंक दैट्स इट। सर पार्टी के दौरान स्नैक्स वगैरह काफ़ी, रात में लाइट नाइट पार्टी होती है और बाहर के जंक फूड भी आप लोग मतलब कभी ना कभी लेना ही होता है या कुछ खा लेते हैं, तो उसके दौरान आप सब मेंटेन कैसे रख पाते हैं? वैसे तो मैं ज़्यादा जंक फूड खाता नहीं हूँ लेकिन अगर खा लेता हूँ तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता हूँ नेक्स्ट डे। ओके ओके सर, थैंक यू।